गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से एचसी हार्डविक्स के बुक को पढ़ने के लिए आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। वॉल्यूम जीरो का अभी पढ़ाई चल रहा है, जिसमें चैप्टर नंबर वन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। चैप्टर नंबर टू आज से हम शुरू करेंगे। मैं मनोज कुमार डुमराव का रहने वाला। आपके इंग्लिश के वर्ड स्टॉक को बढ़ाने के लिए और बेसिकली अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसके ध्यान में रखते हुए मैंने ये एचसी हार्डविक के वर्ड्स को पढ़ाने का सिलसिला स्टार्ट किया है। तो आइए चैप्टर नंबर टू के वर्ड्स को स्टडी करते हैं। पहला वर्ड है एडेक्वेट, एनफ इन क्वांटिटी और गुड एनफ इन क्वालिटी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और नीड। कोई चीज अगर क्वांटिटी यानी कि मात्रा में एनफ यानी कि पर्याप्त हो, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्पस को पूरा करने के लिए जिसकी क्वालिटी अगर पर्याप्त हो तो उसे हम एडेक्वेट कहते हैं। एग्जाम्पल है, वी नीड एन एडेक्वेट सप्लाई ऑफ हॉट वाटर, हमें गर्म पानी का एडेक्वेट सप्लाई चाहिए। द रूम वॉज ए स्मॉल बट एडेक्वेट, रूम छोटा था लेकिन एडेक्वेट था, मतलब कि जो जरूरत थी रूम में वो रूम पूरा कर सकता था। द स्पेस अवेलेबल इज नॉट एडेक्वेट फॉर आर नीड्स, जितनी जगह अवेलेबल थी वो हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए एडेक्वेट नहीं थी यानी कि पर्याप्त नहीं थी। इसका साइनो याद कर सकते हैं आप लोग, सफिशियंट एम्पल इनफ। एंटो याद कर सकते हैं इन एडेक्वेट और स्कैंटी। वर्ड नंबर टू है ब्लेंड, टू मिक्स टू और मोर सब्सटेंसेज टुगेदर, अगर दो तत्वों को एक में मिला देते हैं मिक्स करने को हम ब्लेंड कहते हैं। एग्जाम्पल है, ब्लेंड द फ्लावर विद द मिल्क टू मेक अ स्मूथ पेस्ट, फ्लावर को यानी कि आटा को मिल्क के साथ यानी कि दूध के साथ ब्लेंड कर दे यानी कि मिला दे, क्या बनाने के लिए, एक स्मूथ पेस्ट यानी कि चिकना पेस्ट बनाने के लिए। ब्लेंड टुगेदर द एग्स शुगर एंड फ्लावर, एक में मिला दीजिए अंडा शुगर यानी कि चीनी, फ्लावर यानी कि आटा को। ऑयल एंड वाटर डू नॉट ब्लेंड, तेल और पानी एक दूसरे से ब्लेंड नहीं होते, मतलब मिक्स नहीं होते। साइनो याद कर सकते हैं आप लोग, मिक्स मर्ज मिंगल। एंटो याद कर सकते हैं आइसोलेट। वर्ड नंबर थ्री है कैलामिटी, एन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज टू पीपल्स लाइफ प्रॉपर्टी एंड इटीसी, एक ऐसी घटना जो लोगों के लाइफ को, लोगों की प्रॉपर्टी को या किसी और चीज को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर दे, उस घटना को कैलामिटी कहते हैं। इसको हिंदी में आप आपदा या विपदा कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स, मैन लुक्स हेल्पलेस बिफोर नेचुरल कैलामिटीज, मनुष्य प्राकृतिक विपदाओं के सामने हेल्पलेस नजर आता है। नाउ अ डेज द वर्ल्ड इज फेसिंग अ लॉट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज ड्यू टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, आजकल दुनिया पर्यावरणीय असंतुलन के कारण बहुत सारे प्राकृतिक विपदाओं का सामना कर रही है। साइनो याद कर सकते हैं आप लोग, डिजास्टर कैटास्ट्रॉफी ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्लाइंबर, टू क्लाइंब और मूव विद डिफिकल्टी और अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत कोशिश करके अगर आप कहीं क्लाइंब करते हैं या मूव करते हैं तो आप उसको क्लाइंबर करना कहते हैं। एग्जाम्पल से, द चिल्ड्रेन क्लाइंबर्ड अप द स्टीप बैंक, स्टीप मतलब होता है नुकीला, बैंक का मतलब होता है किनारा, क्लाइंबर मतलब चढ़ना, तो बच्चों ने नुकीले किनारे पर चढ़ाई करी तो बड़ी मुश्किल हुआ होगा उनको चढ़ने में, इसीलिए क्लाइंबर है इसमें। They are trying to clamber up the palmyra tree. Palmyra tree बोले तो ताड़ का जो पेड़ होता है, तो वे लोग ताड़ के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका साइनो है scramble, climb, mount. Next, decade. 10 years के जो पीरियड होते हैं ना, 10 years तक, उस समय अवधि को हम डिकेड कहते हैं। स्पेशली वो 10 year जो जीरो से शुरू होकर 9 पर खत्म होता है, जैसे 1910 से लेकर 1919, 1990 से लेकर 1999, 2000 से लेकर 2009, 2010 से लेकर 2019, इस पीरियड को हम डिकेड कहते हैं। एग्जाम्पल्स, इंडिया हैव मेड इमेंस प्रोग्रेस इन आईटी फील्ड्स इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, भारत ने पिछले कुछ दशकों में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस आईटी फील्ड्स में किया है। इमेंस का मतलब होता है विशाल। इंडियन टीम हैज नॉट लॉस्ट इवन अ सिंगल बायलैटरल सीरीज इन द लास्ट डिकेड, भारत
पिछले डिकेड में एक भी बायलैटरल सीरीज नहीं गंवाया है। बायलैटरल द्विपक्षीय यानी कि दो टीमों के बीच खेला जाने वाला, और सीरीज यानी कि श्रृंखला। नेक्स्ट, फिकल, चेंजिंग ऑफन एंड सडनली, जो अक्सर बदल जाता हो और सडनली बदल जाता हो, उसका मूड अक्सर चेंज होता हो, तो जिसका मूड अक्सर चेंज होता है उसको हम फिकल कहते हैं। एग्जाम्पल, द वेदर हियर इज नोटोरियसली फिकल, यहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा फिकल है। नोटोरियसली यहाँ पर बहुत ज्यादा के लिए आया है, और फिकल यानी कि मौसम हमेशा चेंज होते रहता है। यू कैन नॉट रिलाई ऑन अ फिकल फ्रेंड लाइक श्याम, आप श्याम जैसे फिकल फ्रेंड पर ही रिलाई नहीं कर सकते है, मतलब भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिकल है, वो कब बदल जाएगा कोई पता नहीं। ही इज सच अ फिकल मैन दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू से एनीथिंग अबाउट हिज बिहेवियर, वो इतना फिकल आदमी है यानी कि इतना जल्दी बदल जाता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि उसके बिहेवियर के बारे में आप कुछ भी कह सके। इसका साइन आप याद कर सकते हो, चेंजेबल, अनस्टेबल, अनरिलायबल, एंटो स्टेबल फॉर्म। नेक्स्ट, गॉन्ट, जब ये पर्सन के लिए यूज होगा गॉन्ट, तो इसका मतलब होता है बहुत ही थिन, किसी को बीमारी होगी बहुत ज्यादा थिन होगा तो उसको आप गॉन्ट बोल सकते हैं। जब आप इसके यूज बिल्डिंग के लिए करेंगे या फिर किसी दूसरी चीज के लिए, तो जो चीज अट्रैक्टिव ना होता हो, जो देखने में अच्छा ना लगता हो, उसको भी आप गॉन्ट बोल सकते हैं। ही हैज लॉट्स ऑफ टेंशंस दैट हैव मेड हिम गॉन्ट, उसके पास बहुत सारे तनाव हैं जिसने कि उसको गॉन्ट बना दिया है। द बिल्डिंग ओवर देयर इज गॉन्ट, वहां पर जो बिल्डिंग है ना वो गॉन्ट है। साइनो, थिन, लीन, बोनी, अनअट्रैक्टिव, एंटो फैट और अट्रैक्टिव। नेक्स्ट, होरी, वेरी वे वेरी ओल्ड एंड वेल नोन देयर फॉर नो लॉन्गर इंटरेस्टिंग, कोई भी चीज जो बहुत पुराना हो, पहले वेल नोन था वो, लेकिन अब वो इंटरेस्टिंग नहीं है, उसको हम होरी कहते हैं। इट्स अ होरी ओल्ड जोक, या बहुत ही घिसा पीटा ओल्ड जोक है, मतलब है तो बहुत पुराना और कई बार इसको रिपीट किया जा चुका है। ऐसी चीजें जो बार बार रिपीट हो गई है उसको आप होरी कहते हैं। मॉडर्न मैन डजंट लाइक टू बी बाउंड विद द होरी ओल्ड कस्टम्स, आधुनिक मनुष्य पुरानी रीति रिवाजों से बंधा होना पसंद नहीं करता है। बाउंड, बंधा होना, कस्टम्स, रीति रिवाज। होरी का यूज आप अपने हेयर के लिए भी यूज कर सकते हैं, बुढ़ापे के कारण जो हेयर व्हाइट हो जाता है उसे हम होरी हेयर कहते हैं। योर हेयर फॉल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड वेन यू ग्रो ओल्ड यू हैव ओनली अ फ्रिंज ऑफ होरी हेयर ऑन योर हेड, आपका हेयर फॉल करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी कि समय के साथ साथ। एंड वेन यू ग्रो ओल्ड, और जब आप बुढ़े हो जाते हैं तो आपके सिर पर होरी हेयर का एक फ्रिंज यानी कि कुछ गुच्छा ही बचा रह जाता है आपके हेड पर। साइनो, व्हाइट, ग्रे, ओल्ड, एंटो, ब्लैक। नेक्स्ट, इंटरवीन, टू बिकम इन्वॉल्व, इंटरप्ट टू से समथिंग, किसी चीज में इन्वॉल्व होना या बीच में टपक कर कुछ कहना, इसको हम कहते हैं इंटरवीन। द प्रेसिडेंट इंटरवीन्ड पर्सनली इन द क्राइसिस, राष्ट्रपति संकट में व्यक्तिगत रूप से इंटरवीन किया उन्होंने, यानी कि उन्होंने हस्तक्षेप किया। ही माइट हैव बीन किल्ड इफ द नेबर्स हैड नॉट इंटरवीन्ड, वह मारा गया होता यदि पड़ोसियों ने इंटरवीन नहीं किया होता। साइनो, इंटरफेयर, मेडल। नेक्स्ट, लेवी, लेवी का यूज आप वर्ब की तरह भी कर सकते हैं, नाउन की तरह भी। वर्ब की तरह जब आप करेंगे, टू यूज ऑफिशियल अथॉरिटी टू डिमांड टैक्सेस पेमेंट्स एटीसी, सरकारी अधिकार के तहत यदि आप टैक्स पेमेंट किसी से डिमांड करते हैं, टैक्स लेते हैं, तो टैक्स लेना को आप लेवी कहते हैं। लॉट्स ऑफ टैक्सेस आर लेविड ऑन कॉमन पीपल नाउ, अब कॉमन पीपल पर बहुत सारे टैक्स लेवी किए जाते हैं यानी कि लगाए जाते हैं। एज अ नाउन यूज करेंगे तो होगा एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज टू बी पेड स्पेशली एज अ टैक्स टू द गवर्नमेंट, जो अमाउंट ऑफ मनी टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे किया जाता है उसे भी लेवी कहा जाता है।
The government has imposed lots of levies on oil imports. Import मतलब आयात, oil मतलब तेल. तेल के आयात पर सरकार ने बहुत सारे levies impose किया है, मतलब थोपा है, बहुत सारे कर थोपा है. कर बोले तो tax. Sign of tax or charge. Next, misgiving. Feelings of doubt or anxiety. अगर आपके अंदर doubt और anxiety की feeling है, तो उसको हम misgiving कहते हैं. अगर आप किसी चीज को लेकर doubt में हैं, चिंता में हैं, तो उसको आप misgiving कहोगे. Examples. I read the letter with a sense of misgiving. मैंने चिट्ठी पढ़ा anxiety की भावना में आकर, misgiving की भावना में आकर, मतलब काफी शक और चिंता से मैंने चिट्ठी पढ़ा. She has misgivings about your talent. तुम्हारे टैलेंट को लेकर उसको शंका है, शक है. आई हैव मिसगिविंग अबाउट चेंजिंग द शेड्यूल्स. शेड्यूल्स को बदलने को लेकर मेरे पास मिसगिविंग्स है, मतलब कि शंकाएं हैं. साइन ऑफ डाउट एंग्जाइटी एंड ऑफ फेथ. नेक्स्ट पैरामाउंट. पैरामाउंट का यूज एक एडजेक्टिव की तरह होता है, और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां भी पैरामाउंट यूज होता है, इसके बाद इंपॉर्टेंस जरूर यूज होता है. इसका मतलब ही होता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण. दिस मैटर इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. यह मामला बहुत ही अधिक महत्व का है. सेफ्टी ऑफ वीमेन इज एन इशू ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन इंडिया फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी. भारत में किसी भी राजनीतिक दल के लिए महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्व का इशू है, मतलब मुद्दा है. साइनो ग्रेट, सुप्रीम, विटल, इंपॉर्टेंट एंड टू ऑर्डिनरी. पॉन्डर. टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. किसी चीज के बारे में अगर कुछ ज्यादा समय तक अगर आप सोचते हैं, तो सोचने को पॉन्डर कहते हैं. शी पॉन्डर्ड ओवर हिज वर्ड्स. उसने उसके शब्दों पर विचार किया. आई नीड सम टाइम टू पॉन्डर ओवर द डिसीजन. इस निर्णय पर पॉन्डर करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए. इट्स टू अर्ली टू टेक एन एक्शन. लेट्स पॉन्डर वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू. अभी कोई एक्शन लेना जल्दबाजी होगा. थोड़ा सोच लेते हैं, पॉन्डर कर लेते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. साइन ऑफ कंसिडर, थिंक, कंटेम्पलेट. टावरिंग. एक्सट्रीमली टॉल और हाई एंड देयर फॉर इम्प्रेसिव. जो चीज बहुत ही ज्यादा लंबा हो, ऊंचा हो और देखने में अच्छा लगे, उसे आप टावरिंग कहते हैं. यू कैन सी लॉट्स ऑफ टावरिंग बिल्डिंग्स इन बिग सिटीज लाइक मुंबई. मुंबई जैसे बड़े शहर में आप बहुत सारे टावरिंग बिल्डिंग्स देख सकते हैं. साइनो हाई, ह्यूज, टॉल एंड टू एबिस्मल. एलिगेंस. अ पर्सन्स कंटिन्यूड सपोर्ट टू अ पर्टिकुलर पार्टी, रिलीजन, रूलर, ईटीसी. कोई अगर पर्सन लगातार सपोर्ट करता है किसी राजनीतिक दल को, किसी धर्म को, किसी शासक को, तो उसके समर्थन को एलिगेंस कहते हैं. आई प्लेज एलिगेंस टू माई पार्टी. मैं अपने पार्टी के समर्थन की शपथ लेता हूं. प्लेज मीन्स शपथ लेना. मेनी लीडर्स चेंज एलिगेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस. बहुत सारे नेता चुनाव के दौरान अपने एलिगेंस को चेंज कर लेते हैं, मतलब समर्थन किसी और पार्टी को दे देते हैं. साइनो लॉयल्टी, फेथफुलनेस एंड टू डिसऑनेस्टी. अलायंस. एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज. दो पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है, उसको हम अलायंस कहते हैं. कई बार आप हमारे इंडिया में इलेक्शन के दौरान आप सुनते होंगे अलायंस वर्ड, जिसे हम गठबंधन हिंदी में कहते हैं. एग्जाम्पल्स हैं, द बीजेपी हैज मेड अलायंस विद द एलजेपी इन बिहार. बीजेपी ने एलजेपी के साथ बिहार में अलायंस किया है. साइनो कोअलिशन, एसोसिएशन एंड सेपरेशन. एक्सिस. एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड विच द ऑब्जेक्ट टर्न्स. एक ऐसा काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु टर्न करता है, घूमता है, उसको हम एक्सिस कहते हैं. इसके हिंदी में अक्ष कहते हैं.
Mars takes longer to revolve around its axis than the Earth. Mars जो होता है वो अपने axis पर यानी कि अक्ष पर घूमने में Earth से अधिक time लेता है. Sign of pivot. And the last word is axle. दो पहिए को जो connect करता है हमारी गाड़ी में उसे हम axle कहते हैं. और अगर दो पहिया ही गाड़ी है तो हर एक चक्का में आपके बाइक में एक एक्सल लगा होता है. एग्जाम्पल से द फ्रंट एक्सल ऑफ योर कार इज डैमेज्ड. तुम्हारी कार का फ्रंट एक्सल डैमेज्ड है यानी कि क्षतिग्रस्त हो गया है. साइनो शाफ्ट. आशा करता हूं विद्यार्थियों चैप्टर नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आप इसको सीख लिए तो कोशिश करें आपके पास जो बुक है हार्डविक्स का उसके जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको आप फिल करें वर्ड्स से और देखिए आपके ये सारे के सारे वर्ड्स आपके दिमाग में घर बना लेंगे और हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.